जयपुर से मुंबई आ रही जयपुर एक्सप्रेस में आज सुबह एक फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में आरपीएफ के एक एसआई सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास मीरा रोड और दहीसर रेलवे स्टेशन के आसपास हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में तैनात आरपीएफ अधिकारी और आरपीएफ के चेतन नामक कांस्टेबल में किसी कारणवश आपस में विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली चला दिया। इस कांस्टेबल को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस घटना की पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद यह आरपीएफ कांस्टेबल बोरीवली के पास पास चैन पुलिंग करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय उसे दर्द बोचा गया। हालांकि यह घटना कैसे हुई है यह रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।